कोरोना काल में सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे समय में सामने आए हैं। इसी तरह से कुछ लोगों का एक ग्रुप है मित्रिया नाम से, इन्होंने बना रखा है। देखा जा सकता है कि ये सारे लोग इस तरह से शहर में घूम घूम कर गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सारे अलग अलग प्रोफेशनल हैं जो काम करते हैं, लेकिन इनका एक काम करने का तरीका है, लोगों से मदद लेते हैं और उस मदद के जरिए अलग अलग रेस्टोरेंट में खाना बनवाकर और अच्छी क्वालिटी का खाना पूरे शहर में ये खिलाते हैं। तो बातचीत करते हैं, क्या सिस्टम इनका, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर विनीत शर्मा। विनीत जी, ये किस तरह से करते हैं आप और डेली कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? अराउंड 1000 लोगों को हम थाली, जो कोविड होम क्वारंटाइन पेशेंट है उनको, देन महिला चिकित्सालय, आदर्श कोविड सेंटर है, ये अमराकपुरा पॉइंट है, यहाँ 3-4 किलोमीटर के एरिया से लोग आते हैं। इसके अलावा फिर जेकेलोन के बाहर है, यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो ये रेगुलर हमने 10 तारीख से स्टार्ट किया था। मित्राय फ्रेंड्स फॉर ऑल हमारा एक एनजीओ है, उसके बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। मैं एक संयोजक या व्यवस्थापक मान लीजिए। आप लोग क्या करते हो, एक ही प्रोफेशन में हो या अलग अलग प्रोफेशन में हो सारे? नहीं, सब अलग अलग प्रोफेशन में। बेसिकली हम दोनों योगा और फिटनेस के फील्ड से हैं, बाकी सबका अलग अलग, सबका गवर्नमेंट जॉब में, कोई अपना पर्सनल बिजनेस है किसी किसी का, सब अलग अलग प्रोफेशन से मिलकर के हम लोग एक ग्रुप बना लिया हम लोगों ने। तो ये कहाँ से पैसा आता है और किस तरह से आप लोग उसको रेस्टोरेंट में कहाँ खाना बनाते हैं? 2012 से इस तरह से एनजीओ चला रहे थे। पहले हमने इसका नाम, मेरी एक फर्म थी उसके नाम पे था, लेकिन मैंने देखा कि अब हमने इसको एक विस्तृत रूप से अगर देना है और बड़े स्तर पे काम करना है तो हमने इसको मित्राय फ्रेंड्स फॉर ऑल नाम से कंपनी एक्ट में एनजीओ रजिस्टर्ड करा दिया है। इसमें हमारे पास दुबई से 30-40 लोग, स्पेन से हैं, शिकागो से हैं, यूएसए से हैं, देन इंडिया से भी अभी काफी लोग हमारे परिचित जानकार, मेरे योगा स्टूडेंट, तो एक से प्लस एक मतलब लोग जुड़ते चले गए इसमें। और मेडिकली हम लोग हेल्प करते हैं बच्चों के एजुकेशन में, सैनिटाइजेशन में, उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें हम कंटिन्यू कर रहे हैं वक्त के। तो ये जो खाना खिलाते हो आप लोग, ये कहाँ बनवाते हो, कब खिलाते हो? हम क्योंकि हमारी थालियाँ थोड़ी ज्यादा होती है, कभी कभी 1000+ भी जाती है, तो एक बंदा कोई बना के ये दे नहीं सकता, तो हम 4-5 जगह से बनाते हैं। शर्मा थाली है, मार्क्यूस मोमोज है, अपने सिरसी रोड पे मैसूर महल है, जैन थाली है, तो हमने 4-5-6 जगह से इसको, हम किसी 200 थाली, किसी 3 थाली, सुबह शाम में दोनों टाइम, ताकि फ्रेश भोजन मिल जाए। क्योंकि आप क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि जब ज्यादा एक्सेस में बनता है तो वो क्वालिटी डाउन कर देते हैं, तो हम उतना ही उनको देते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन रखे, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस टाइम पे। ये स्थिति देखा सकता है कि शहर में सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है कोरोना के लॉकडाउन का, वो गरीबों पर पड़ा है, जो काम नहीं मिलने से, धंधा नहीं मिलने से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है। इन लोगों को इस तरह से खाना खिलाने का काम कुछ लोगों की ये टीम कर रही है, और रोजाना करीब 1000 लोगों को इस तरह से शहर के अलग अलग पॉइंट पर ये लोग खाना खिलाते हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। सब लोगों से मदद लेकर और मदद को आगे बढ़ाते हैं और इन गरीबों को खाना खिलाते हैं। कैमरा चेतन के साथ शरद कुमार,